मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है। नमस्ते, मैं आपको आज पालक पनीर बनाने के लिए दिखाऊंगी किस तरह से मैं एक आसान तरीके से पालक पनीर बना सकती हूँ। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक को अच्छी तरह से चुन के फिर उसको धो के एक उबाल आने तक थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के उसको थोड़ा गर्म पानी में एक उबाल आने तक उसको छोड़ दिया था। और चीनी मैंने इसलिए डाला था थोड़ा सा ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक पीस लूँगी ताकि इसके अच्छी तरह से एक पेस्ट बन जाए। ये मैंने फूल पालक को पीस लिया है अच्छी तरह से मिक्सर में और इनका कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल हरा और ताज़ा लग रहा है क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाया था इसी वजह से। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे फिर हम करी उसका बनाना स्टार्ट करेंगे। और पालक में से जो थोड़ा सा पानी निकला है उसको भी मैंने रख लिया है ताकि उसको मैं ग्रेवी बनाने के वक्त में यूज़ कर सकूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई गरम कर चुकी है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल आप रिफाइंड तेल यूज़ कीजिए, वो उसमें सबसे अच्छा बनता है क्योंकि सरसों का तेल या किसी और तेल से ये ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। अब ये तेल को मैं गरम करूंगी, उसके बाद ये जो मेरा पालक है और ये यहाँ पे मैंने प्याज उसको मैंने पीस लिया है और थोड़ा सा लहसुन और अदरक करीबन एक एक टेबलस्पून मैंने इसको पीस के रखा है। आइए अब मैं इस प्याज को तेल में डालूंगी। तेल गर्म हो चुका है, आप चाहे तो प्याज अदरक लहसुन सब एक साथ भी पीस सकते हैं। फिर मैं इसमें लहसुन डालूंगी, फिर अदरक, इसको मैं भून लूंगी और बाकी मसालों जो है इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद वो भी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए मेरी प्याज और थोड़ा सा सुनहरा रंग का हो चुका है। मैंने इसमें चार प्याज लिए थे क्योंकि पालक में आप थोड़ा ज़्यादा प्याज डालिएगा तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें मैं धीरे धीरे थोड़ा सा हल्दी, हल्दी का पाउडर, एक चम्मच धनिया का पाउडर और छोटी चम्मच जीरा का पाउडर इसमें मैंने ऐड कर लिया। अब इसको मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से। अब इसमें मैं दो हरी मिर्च डालूंगी। आप लोग इसमें मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं क्योंकि मेरी बेटी को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं, इसी वजह से मैं हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें मिला सकते हैं। और हाँ, इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक जब मैं पालक डालूँगी उसके बाद भी इसमें डालूँगी। थोड़ा गैस का फ्लेम हाई करूंगी। अब मैंने ये देखिए दो टमाटर लेके पीस के रखा है। अब इसका टोमेटो का जो पेस्ट है मैं इसमें डाल लूंगी अच्छी तरह से। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। अब
अब इसको मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह से तेल छोड़ेगा उसके बाद मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने लेती हूँ। ये देखिए मसाला मेरा पूरा पक चुका है अच्छी तरह से, तब मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि पालक तो एक टेस्ट अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसमें ज़्यादा तेल यूज़ करेंगे। आप कम तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन प्याज भूनने में और पालक को भूनने में जितना तेल का ज़रूरत है उतना तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये जो पालक मैंने जब उबाला था उसका पानी मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था मिक्सर में देने से पहले। आपको पानी उसमें मिक्स नहीं करना है क्योंकि पालक में पानी में पालक गैस में चढ़ाने पर ही उसमें से पानी तो अपने आप निकलने जाता है, कोई भी हम लोग साग बनाएं उसी में निकलता है नमक डालने के बाद। अब इसको हम पकने देते हैं। ये देखिए करीबन 5-10 मिनट पकाने के बाद इसका कलर ऐसा आएगा। देखिए तेल छोड़ दिया है पालक ने। आप इसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा वरना अगर ये कढ़ाई में थोड़ा सा भी रह जाता है तो इसमें जलने की बू आने लगेगी। अब मैं जो उबला हुआ पानी है उसका पालक का इसमें डाल दूंगी। उसमें पालक में बहुत सारा आयरन होता है तो उसका पानी भी हम कभी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करूंगी और इसमें आप एक चम्मच चीनी भी ऐड करूंगी। आपको अगर मीठा पसंद ना हो तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा चीनी दिया जाए तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है और आप ये ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में। ये देखिए जितना पालक का पानी था मैंने सारा डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। और ये जो मैंने पनीर काट के यहाँ पे रखे हुए हैं ये भी मैं उसमें अब मिलाने वाली हूँ। ये देखिए अब इसमें मैं एक चम्मच सॉस ऐड करूंगी, इसमें टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए मैं पनीर भी डाल दूंगी। ये पनीर मैंने बिल्कुल सफ़ेद ही रखे हैं, कोई भी तेल में इसको फ्राई नहीं किया क्योंकि ये नरम रहेंगे और पालक पनीर का हमेशा पनीर कभी उसका फ्राई नहीं किया जाता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको हम 2 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। अब मैं इसको मिला लूँगी।
आप इसको कोई भी ऐसे प्लेन रोटी से, कुलचा से या नान से, किसी भी चीज़ से, आप पराठे से ले सकते हैं। देखिए पनीर पूरा मिक्स हो चुका है इसमें। मेरी बेटी को पूरा पनीर और पालक एक साथ मिक्स हो वही ज़्यादा पसंद आता है। और ये मेरा पालक पनीर बन गया। और ये रहा मेरा पालक पनीर, आप देख सकते हैं इसका कलर और ये कैसा बना है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सब इसे लाइक करें और हाँ ज़रूर इसको आप ज़रूर घर में ट्राई करें।